फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। मैं आप सबका वेलकम करती हूँ अपने चैनल पे। तो आज सुबह सुबह मैंने अपना ब्लॉग शूट करना शुरू कर दिया और सुबह होती है मेरी एनर्जी ड्रिंक से। ये देखिए मेरी एनर्जी ड्रिंक, और अभी मैं अपने लिए बनाऊंगी, पीती हूँ। ये मैंने कर लिया गर्म पानी और अभी ये मैं पीऊंगी अपने लिए। ये देखिए एक स्पून भर के डाल दिया इसमें। ये है लेमन फ्लेवर, बहुत सारे फ्लेवर आते हैं इसमें, लेकिन मैं लेमन वाला इस्तेमाल करती हूँ। इसको एंजॉय करते हैं। चेस। मॉर्निंग में सुबह सुबह बहुत सारे काम रहते हैं करने के लिए, लेकिन मैं सबसे पहले ब्रश करके अपना एनर्जी ड्रिंक लेती हूँ फ्रेश होके। और अभी ब्रेकफास्ट की बारी है, ब्रेकफास्ट बनने जा रहा है। तो आज लौकी के कोफ्ते बनाऊंगी और उसके साथ बनाऊंगी परांठे। और रात को हो गया था बहुत लेट, हमें सोने में लेट किस लिए हो गया कि लगभग हम लोग सो ही गए थे रात को 1-1.5 बजे की बात है, 1-1.5 बजे की बात है। इतनी बारिश, बहुत ज़्यादा बारिश, और मुझे ऐसे आवाज़ आ रही थी कि जैसे कोई झरना सा चल रहा है। तो हमने देखा झरना कहाँ चल रहा है, मैं फिर 1 बजे बाहर निकली तो देखा तो हमारी सीढ़ियों से पूरा पानी हॉल में भर गया, लॉबी में भर गया, लॉबी में, बच्चों के रूम में, दूसरे रूम में पानी इतना हो गया था कि मैं अचानक देख के डर गई कि ये बाहर तो नहीं आ गई कहीं। फिर मैंने देखा ऊपर से, सबसे ऊपर से मोंटी से पानी आ रहा था। पानी क्यों आ रहा था, जो मेन होल रहते ना उसमें कुछ फंस गया था और ऊपर से ब्लॉक हो गया था, और ऊपर का पानी फिर ब्लॉक होके सीढ़ियों से पूरा नीचे। तो मैं इतना डर गई, इतना घबरा गई कि क्योंकि हमारा इन्वर्टर भी था वहाँ सीढ़ियों में, तो मुझे ये लगा कि कहीं करंट वरंट ना हो जाए, इतना डर, इतना घबराहट। फिर हिम्मत करके यार मेरे बच्चे दोनों उठ गए, हम लोग ऊपर गए छत के ऊपर जाके मेन हॉल में से हमने कचरा वगैरह निकाला और पानी निकाला। निकालते निकालते हमें 2-2.5 बज गए पानी निकालते निकालते। फिर नीचे आए, नीचे आके हमने पूरा घर क्लीन किया रातों रात क्लीन करके। तो वही बोलते ना कि मैं भी एक फौजी वाइफ हूँ, तो जैसे फौजी जंग में लड़ते हैं, हमें घर में संघर्ष करना पड़ता है हर काम के लिए, क्योंकि इतनी चुनौतियाँ आ जाती हैं, इतनी कठिन कठिन कि हमें उनका सामना करना पड़ता है। तो वो हमारे सामने चुनौती थी कि इतना कठिन, मतलब ये रात के 2-2.5 बज गए छत के ऊपर, ऊपर से बिजली गरज रही है, तो इन्वर्टर का भी खतरा कहीं करंट ना आ जाए। लेकिन हमने हिम्मत नहीं हारी, मेरे बच्चों ने और मैंने, तो हमने किया। मैं बच्चे वो मैंने कहा पापा के बहादुर बच्चे हो, डरना नहीं है। तो बहुत कमी महसूस होती है फिर कभी ऐसे काम आते हैं तो हस्बैंड की, लेकिन डट के हमने मुकाबला किया, से साफ सफाई की। और आज मैं सोच रही हूँ इन्वर्टर सीढ़ियों से हटवा के कहीं और शिफ्ट करवाते हैं। आज लाइट वाले भैया को मैंने बोल दिया, वो बोले मैं आके आपका इन्वर्टर चेंज करता हूँ, तो वो जो मेन होल है वो भी सेट करते हैं, क्यों कचरा रुक रहा है उसमें, क्योंकि अभी न्यू बिल्डिंग बनाई है ऊपर, तो पता नहीं क्यों 2 बार हो गया हमारे साथ ऐसे। नहीं तो 8-10 साल से है कभी पानी नहीं आया हमारे घर में, क्योंकि घर ज़्यादातर बंद ही रहता था, हम घर में नहीं रहते थे, लेकिन कभी पानी नहीं आया। तो इस बार पहली बार मैंने वीडियो शूट करनी थी उस टाइम, लेकिन पता नहीं चल रहा था, दिमाग कुछ काम नहीं कर रहा था कि क्या करें क्या नहीं। तो ऐसा भी नहीं है कि आस पड़ोसी है, किसी की हेल्प मिल जाए, रात को 2-2.5 बजे कौन आएगा, सभी सो रहे हैं, तो फ़ोन भी करेंगे और सभी ने साइलेंट पे रखे रहते हैं, कोई उठता भी नहीं है, तो अपनी मदद खुद करनी पड़ती है यहाँ पर। थोड़े आप लोग भी आ जाओ खाने के लिए। तो ये हो गए तैयार जानू के लिए और इसके अंकल जी के लिए, उनके लिए लेके जा रही हूँ।
तो ये देखिए मुन्ने के लिए हो गई रेडी प्लेट, और अभी जानू को दूसरे रूम में देने जा रही हूँ, क्योंकि अभी बच्चे पढ़ रहे हैं तो उनके रूम में ही उनको खाना दिया जाएगा। खाओ फिर। लंबी लंबी उम्र रहती होगी, अच्छे पढ़ो लिखो, फिर लड़ते रहो, फिर पियो, सोती रहे, नींद बुरी करती रहे, कोई कोई नहीं समझता, कोई बात नहीं। इधर इधर मानी भी तू साथ में जाती बातें। हाँ सुनो। तो ये है हमारी पीहू, पीहू बांध रही है जानू मनु को राखी, तो साथ में उसकी बूजी भी आई हुई है राखी बांधने के लिए। तो पहले अभी बारी है जानू की, फिर उसके बाद आएगी मुन्ने की बारी। तो ये आई थिंक 2:30 बजे की बात है, 2:30 बजे के ज़्यादा लेट हो गए थे राखी बांधना। चाहिए पीयू को भी खिला। मेरा व्रत है। व्रत है इसका। तो मम्मी ये रात दो। ठीक है। चले बन पाजी जन सरे दी करें। और भरा बाहर हो ते भ्रावां दे बच्चे और के ओ भी भरा ही ने। तू रह गई यार, तू भी तू मां ये कौन कर रहा, तू मैं क्या नहीं कर रहा, अरे इधर पकड़ ले। ठीक है तेरी बारी, काले गिला जो मोरे ना ना, प्लग तोड़, प्लग तोड़ है पापा की फेवरेट सब्जी, लाओ आप लाओ सब्जी, पापा की फेवरेट सब्जी, आधा आधा कर दो, आधा सब्जी खाओ खाओ, आज मिठाई खाओ। शिप्रू इधर देख। तो अभी बारी आ गई मुन्ने की, मुन्ने की बूजी मुन्ने की आरती कर रही है, फिर आ गई मुन्ने की बहन की बारी। ओके बाय बाय फ्रेंड्स।